ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट भावलपुर 2022 का ये मैच लाइव आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर। ये तमाम मैचेस गैरिसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भावलपुर में मुनक्किद हैं। कैटेगरी का चौथा मैच खेला जा रहा है। मैच का आगाज जलीस दूसरा पॉइंट हासिल करने में कामयाब। जलीस 2 रिजवान 0। नेट पे ड्रॉप के साथ शटल को कंट्रोल से नेट पे ड्रॉप किया रिजवान ने। दोनों खिलाड़ी अच्छी फिजिकल फिटनेस और फॉर्म का मुजाहरा करते हुए शटल को कंट्रोल करते हुए रिजवान सर्व कर रहे हैं। स्कोर 2-2 दोनों का। और यहाँ पे रिजवान ने अच्छा स्मैश किया लेकिन शटल सीधे नेट पे लगी और एक पॉइंट हासिल करने में कामयाब। जलीस और एक और पॉइंट हासिल किया जलीस ने। अच्छी स्मैश, बहुत खूबसूरत स्मैश। मैच के शुरू में ही दोनों पॉइंट दोनों खिलाड़ी इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। रिजवान की बहुत खूबसूरत स्मैश और पॉइंट को कंट्रोल किया। रिजवान अटैकिंग गेम कर रहे हैं जबकि जलीस ज़्यादातर डिफेंस साइड डिफेंसिव मोड के ऊपर हैं इस वक्त। दोनों खिलाड़ी बराबर 4 points each। बहुत ही दिलचस्प है ये मुकाबला। 4-4 के साथ बराबरी पे दोनों ही प्लेयर्स इस वक्त। शटल को कंट्रोल नहीं कर पाए और जलीस ने पॉइंट पहले पॉइंट जलीस ने पॉइंट लूज किया साइड गैलरी में। उसके बाद कोनैन ने अच्छा ड्रॉप लिया और अच्छे ड्रॉप के बाद रिजवान से पॉइंट हासिल करने में कामयाब। दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 5 each। अटैक, खूबसूरत अटैक मोहम्मद रिजवान का। जलीस पहली दफ़ा तो डिफेंस करके शटल रिटर्न करने में कामयाब लेकिन दूसरी बार रिटर्न नहीं कर पाए। सिक्स 5 के साथ दोनों खिलाड़ी ज़बरदस्त स्टेमिना खूबसूरत फॉर्म का मुजाहरा करते हुए इस वक्त दोनों खिलाड़ी 6 each के ऊपर। अच्छी स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं और किसी भी मौके के ऊपर गेम या पॉइंट लूज करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिल रहा है जिस तरह इससे पहले अहमर और शहरोज का मुकाबला था। अच्छा फाइटिंग चांस था। सिमिलर सिचुएशन इस मैच में भी जा रही है। शटल पुश की लेकिन शटल कोर्ट से बाहर चली गई। रिजवान 6 को जली 7 लेकिन ये भी डेस्परेशन में। रिजवान की शटल सीधी नेट में जा लगी। दोनों खिलाड़ी इस वक्त 7-all के साथ बिल्कुल बराबर बराबर। इस वक्त कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि दोनों प्लेयर्स इस वक्त एक दूसरे को अच्छा मुकाबला दे रहे हैं। जी बिल्कुल, किसी के बारे में इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपने स्कोर में अपनी स्किल में अपने स्टेमिना में बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर मुकाबले पे हैं। अच्छा डॉज रिजवान की तरफ से, अच्छा ट्रिक शॉट लेकिन उसको बड़ी अच्छी खूबसूरती से कंट्रोल किया जलीस ने। जलीस का खूबसूरत पॉइंट नेट के ऊपर आके किल करते हुए 9-7। जलीस 9 रिजवान 7। जी हाँ, ऑल पाकिस्तान नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट भावलपुर 2022 की ये मैचेस गैरिसन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भावलपुर में जारी और ये आज का चौथा मैच खेला जा रहा है जहां पहले सेट में जलीस कोनैन
10 पॉइंट हासिल करके 3 पॉइंट्स की लीड पर हैं। मोहम्मद रिजवान 7, बैक एंड पर पुश किया, दोनों प्लेयर्स कोर्ट में मौजूद। दोबारा से पहले सेट का आगाज और एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे बहुत खूबसूरत स्मैश किया जलीस कोनैन ने। जलीस कोनैन 12, मोहम्मद रिजवान 8, 4 स्कोर की लीड हासिल कर चुके हैं। बैक एंड से अच्छा खेला, बहुत खूबसूरत स्मैश यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का, बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए जलीस। मोहम्मद रिजवान 9, प्लेस करने की कोशिश की और प्लेस करने में नाकाम रहे। रिजवान 10, जलीस 12। जलीस आहिस्ता आहिस्ता जलीस ने पहले लीड ली थोड़ी सी, वाटर ब्रेक तक जलीस लीड में थे और उसके बाद एक पॉइंट और मज़ीद हासिल किया और लीड बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजवान किसी भी तौर पे गेम लूज करने के लिए तैयार नहीं है और वो फाइट कर रहे हैं। अच्छा मुकाबला, अच्छा शो दोनों की तरफ से। जलीस 13, रिजवान 10 और ये शटल जलीस की तरफ से शटल नेट में चली गई। रिजवान 10, जलीस 14, मोहम्मद रिजवान 11, जलीस कोनैन 14। अच्छी रैली दोनों प्लेयर्स के दरमियान, बहुत ही खूबसूरत स्मैश यहाँ पे मोहम्मद रिजवान की जानिब से और एक पॉइंट हासिल करने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान 12, जलीस को 9-15। बॉडी पर खेल के पॉइंट हासिल किया यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने, बहुत ही अच्छे स्किल्स का मुजाहरा। इस वक्त बहावलपुर में गर्मी है, बहुत गर्मी है और इस वेदर कंडीशंस में इस तरह की अच्छा स्मैश और मोहम्मद रिजवान की जानिब से और मज़ीद एक और पॉइंट हासिल करने में कामयाब। सिर्फ एक पॉइंट की लीड बाकी रहेगी। अच्छा कमबैक किया मोहम्मद रिजवान ने, 14-15 के साथ ये मुकाबला जारी। एक अच्छी रैली दोनों प्लेयर्स के दरमियान और एक खूबसूरत डॉज एक ट्रिक शॉट के साथ ये पॉइंट हासिल करने में जलीस कामयाब। 16-15, दोनों के दरमियान अच्छी रैली चल रही है। दो पॉइंट की लीड हासिल है जलीस को और ये उनको काफी एज है इस वक्त। ने सर्व किया, स्विच करना चाहा मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन शटल साइड लाइन क्रॉस कर गई और एक पॉइंट हासिल करने में कामयाब जलीस को रहे। अच्छा मैच और पुश करने की कोशिश की बैक गैलरी पे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। जलीस 20, रिजवान 15, सेट मैच पर है जलीस। मैच सेट फैसलाकुन मराहिल में दाखिल हो चुका है, 4 पॉइंट्स के लीड के साथ हैं जलीस इस वक्त। दूसरा सेट स्टार्ट, और ये पॉइंट हासिल करने में कामयाब मोहम्मद रिजवान। बहुत ही अच्छा स्मैश यहाँ पे जलीस कोनैन की जानिब से लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और साइड गैलरी में चला गया, जिसकी वजह से वो पॉइंट मोहम्मद रिजवान हासिल करने में कामयाब। अच्छी रैली। इस वक्त मैच आगाज हुआ है अगेन। जलीस कोनैन इस वक्त एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ, एक नफसियाती बर्तरी के साथ, क्योंकि पहला सेट वो जीत चुके हैं
रिजवान एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ कोर्ट में मौजूद, कोशिश कर रहे हैं कि वो गेम को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, क्योंकि मैच में बने रहने के लिए उनका ये सेट जीतना बहुत ज़रूरी है। रिजवान इस वक्त एक पॉइंट की लीड के साथ, रिजवान 3 अच्छी रैली और बहुत खूबसूरत स्मैश यहाँ पे जिलीस कोनैन की जानिब से, बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए यहाँ पे मोहम्मद रिजवान इस स्मैश को। दोनों प्लेयर्स की कोशिश यही होती है कि वो एज सुन एज पॉसिबल अपने मुखालिफ की वीकनेस को जज करके उसको एक्सप्लॉइट करें। जिलीस की सर्विस और ट्रिक शॉट के साथ जिलीस ने रिजवान को बड़ा अच्छा डॉज किया, लेकिन शटल को कंट्रोल नहीं कर पाए। पांच टीम के साथ मुकाबला जारी, जिलीस को 9-5, मोहम्मद रिजवान 3। खूबसूरत स्मैश है, कोर स्मैश यहां पे जिलीस को 9 की जानिब से। जिलीस बड़ा कंट्रोल करके गेम को मूव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को बड़ा जो है वो देख के और बड़ा कैलकुलेटेड शॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी उनकी ये शॉट इवन दो नेट में लगी है, लेकिन ये नेट के टॉप से बिल्कुल ज़रा सी नीचे थी। थोड़ा सा अगर वो इसको मज़ीद कैलकुलेट करते तो शायद ज़्यादा बेहतर शॉट मार पाते। लेकिन रिजवान भी अब कम बैक कर रहे हैं गेम में, रिजवान 5 जली 6, नेट के ऊपर से अच्छा किल करके पॉइंट हासिल करते हुए, और अगेन उसी की वही उसी पॉइंट की रिवर्सल। जलीस को थोड़ा सा एक लूज शटल मिली जिसको उन्होंने ज़ाया नहीं किया और नेट के ऊपर से किल करके पॉइंट हासिल किया। जी हाँ, जलीस को 9-5, जलीस को 9-7, मोहम्मद रिजवान 5। ये आज का चौथा मैच खेला जा रहा है मोहम्मद रिजवान वर्सेस जलील को 9 के दरमियान, जिसका ये सेकंड सेट जारी है, जहाँ पे ये भी बहुत अच्छा स्मैश किया मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान 7, जलीस को 9-8, 7-8 के साथ ये मुकाबला जारी। रिजवान का अच्छा स्मैश जिसको इफेक्टिवली रिटर्न नहीं कर पाए जलीस, लेकिन साथ ही जलीस गेम में वापस आते हुए उन्होंने रिजवान को बिल्कुल बैक गैलरी पे पुश करने के बाद नेट शटल सीधी रिजवान की नेट में चली गई और वो पॉइंट जलीस हासिल करने में कामयाब। दोनों खिलाड़ी जो कि एक दूसरे से इक्वली मैच्ड हैं, दोनों खिलाड़ियों की स्किल, दोनों का एक्सपीरियंस इक्वली मैच्ड है, इसलिए दोनों में से कोई भी खिलाड़ी किसी भी मौके के ऊपर गेम या पॉइंट लूज करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, ये एक मिसकैलकुलेटेड शॉट थी मोहम्मद रिजवान 10, जलीस को 9-9। यहाँ पे जलीस ने भी एक पॉइंट हासिल किया और दोनों खिलाड़ी इक्वली मैच्ड और दोनों खिलाड़ियों में से कोई भी इस मैच को या इस सेट को बल्कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट को भी लूज करने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने सर्व के साथ दोबारा से सेट का आगाज किया और अच्छी स्मैश, लेकिन साइड गैलरी चली गई जो कि जलीस के हक में गई। जलीस को अपने पास बुलाकर कुछ मैसेज दिया और नेट के ऊपर लूज शटल थी जिसको किल करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, टाइमिंग को मैनेज नहीं कर पाए। मोहम्मद रिजवान पॉइंट 2 फॉर जलीस, जलीस 13, मोहम्मद रिजवान 11। बहुत अच्छा स्विच किया यहाँ पे जलीस को 9 ने और कामयाब रहे। मोहम्मद रिजवान शटल को कंट्रोल नहीं कर सके और शटल सीधी साइड गैलरी में चली गई और पॉइंट
जलीस के लिए जा चुका है। मोहम्मद रिजवान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जलीस 14, रिजवान 12। बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा जलीस की जानिब से, कोई मौका नहीं दे रहे वो मोहम्मद रिजवान को इस वक्त, वो लीड कवर करें। और जलीस का अच्छा पुश, कोशिश की कि उसको कंट्रोल कर सके, उसको जज करने की कोशिश की मोहम्मद रिजवान ने, लेकिन मिस कैलकुलेट कर गए और वो शटल राइट इन थी जिसका पॉइंट जलीस को मिला था। और ये साथ ही नेट के ऊपर से अच्छा किल, रिजवान का अच्छा किल, पॉइंट हासिल करने में कामयाब। और यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट हासिल किया। और यहाँ पे 18 पॉइंट्स हैं जलीस को 9 के। एक अनफोर्स्ड एरर मोहम्मद रिजवान की जानिब से, 19 जलीस को 9, मोहम्मद रिजवान 14। बहुत ही दिलचस्प हो चुका है मुकाबला, सिर्फ 2 पॉइंट्स की दूरी पर है जलीस को 9 ये मैच जीतने से। और इसी रसना में एक और पॉइंट हासिल किया जलीस को 9 ने, मैच पॉइंट और सेट पॉइंट पर है जलीस। अजीम सरवर वाबदा वर्सेस अबुल हसन आर्मी इन कोर्ट नंबर 3। अच्छा ड्रॉप किया और नेट पे आके खूबसूरत किल किया मोहम्मद रिजवान ने और पॉइंट हासिल करने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान ने सर्व की बहुत अच्छा, यहाँ पे रिटर्न करने की कोशिश की जलीस ने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है जलीस को नैन ने। शानदार खेल का मुजाहरा दोनों प्लेयर्स की जानिब से, मोहम्मद रिजवान 16, जलीस को नैन 21। और ये मैच जीत लिया उन्होंने, लगातार दोनों सेट्स जीते और ये मैच जलीस को नैन ने शानदार स्किल्स का मुजाहरा करते हुए जीत लिया है।